राम राम दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हिमाचल राज फार्मेसी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे निसी प्लस टैबलेट के बारे में, जो कि बुखार और दर्द की समस्या को ठीक करने की बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। इसे जो है सिप्ला लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है और इसकी मार्केट प्राइस को देखेंगे तो आपको जो 10 टैबलेट 57 रुपए की ऑल इंडिया में कहीं पर भी किसी भी मेडिकल शॉप पे इजीली मिल जाएगी। एक जेनरिक दवा तो इसलिए यह आपको जो है कम रेट पर भी मिल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं, इसकी कंटेंट के बारे में, इस दवा की डोज के बारे में, इस दवा के लेकर सावधानियों के बारे में और सबसे जरूरी इस दवा का साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है, इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस दवा की पूरी जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी कंटेंट के बारे में। तो इसमें जो है दो कंटेंट मिलाए गए हैं। इसमें पहला है निमोसलाइड और दूसरा है पैरासिटामॉल। निमोसलाइड इसमें जो है 100 mg और पैरासिटामॉल जो है 325 mg को मिलाकर बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारी दवा की नई नई वीडियो रोजाना आती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अब बात करते हैं इस दवा के यूज के बारे में। तो इसे जो मुख्य रूप से बुखार की समस्या को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर बुखार के साथ साथ हेडेक की समस्या या फिर सर्दी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया है तो उन सब समस्या को ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ज्वाइंट पेन है या फिर मसल्स में पेन है या फिर दर्द है किसी प्रकार का, जोड़ों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है या फिर घुटनों में दर्द है, सिर दर्द है, तो उन सबको भी ठीक करने के लिए इस निमोसलाइड पैरासिटामॉल टैबलेट यानी निसी प्लस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। यह उन सब में जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। अब बात करें इस दवा की डोज के बारे में कि इसे जो है आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस दवा को यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो आपकी बीमारी की गंभीरता के अकॉर्डिंग दवा की डोज को अलग अलग डिसाइड करते हैं। नॉर्मली आपको बता दें इस दवा को आप एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम एडल्ट को खिला सकते हैं भोजन करने में, फिर नाश्ता करने के बाद। और अब बात करें इस दवा के यूज के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस दवा की सावधानियों के बारे में। तो इस दवा को आप कभी भी गर्भवती महिला फिर स्तनपान कराने महिला को यूज कराने से पहले डॉक्टर सलाह जरूर लें, और इस टैबलेट को जो है कभी भी खाली पेट ना खाएं। और दोस्तों दवा लेने से पहले एक बार एक्सपायरी जरूर चेक करें। ये तो इसके यूज सावधानियों के बारे में। अब बात कर लेते हैं इस दवा के साइड इफेक्ट के बारे में, इस दवा का साइड इफेक्ट होता है नहीं होता है। तो वैसे दोस्तों इसका जो कुछ बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता, फिर भी कुछ लोगों में जैसे इचिंग की समस्या, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, नोजिया, डिजीनेस या फिर स्किन पर लाल दाने निकल आना या फिर अन्य और कोई साइड इफेक्ट दिखता है इस दवा के यूज के दौरान, तो आप जो इस टैबलेट का सेवन करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये रही हमारी निसी प्लस टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी या फिर हमारी वीडियो थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। तो अब जो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको इस दवा को लेकर डाउट रह गया है, किसी अन्य दवा की जानकारी चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक हो, वेटनरी हो, जानवरों की हो या फिर आयुर्वेदिक हो, तो आप जो उस दवा का नाम कमेंट कर सकते हैं, हम उस दवा की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले दवा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।